व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है मेरा न्यू व्लॉग और इसमें मैं आज कर रही हूँ, ये खाना बनाने लगी हूँ, तंदूरी चिकन बना रही हूँ। ये चिकन मैंने धो के रखा हुआ है, ये दही है, आधा किलो है तकरीबन। ये मैंने एक चम्मच चाट मसाला लिया है और थोड़ा सा फूड कलर लिया है ज़रदा रंग, और ये मैंने पैकेट वाला लिया है मसाला, तंदूरी चिकन मसाला। हम पहले ये दही डालेंगे सारे, फिर इसमें ये दोनों ऐड कर देंगे और तकरीबन हाफ पैकेट ये डालेंगे। अच्छे से मिक्स करके तो हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए। फूड कलर कम लगे तो और डाल सकते हैं, कलर थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाला है। नमक इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि नमक चाट मसाले में भी होता है और तंदूरी चिकन के मसाले में भी होता है। बस अब हम इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। चिकन हो गया मैरिनेट, ये लहसुन अदरक मैंने 1-1 टेबलस्पून लिया है, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इस तरीके से चिकन डालते जाएंगे। हम पहले चिकन को फ्राई करेंगे, लहसुन अदरक और ऑयल में। और इस तरह से हम इसको ज़रा अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जो चिकन का अपना पानी है वो ज़रा ड्राई हो जाएगा तो फिर हम ये बची हुई दही इसमें डालेंगे। ये इतनी लाइट डिश है कि बहुत जल्दी बन भी जाती है और खाने में भी लाइट है, इसमें हज़म भी जल्दी हो जाती है क्योंकि इसमें दही और चाट मसाला वगैरह डलता है तो इसलिए। और इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है क्योंकि इसको कोयले का धुआं देंगे हम जब ये तैयार हो जाएगा तो बहुत अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी हमारी झटपट तैयार हो जाएगी। दही डाल देंगे इसमें, जो हमारे पास मसाले वाली दही थी। अच्छे से ये डाल लेंगे हम, पूरा बॉल साफ करके। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी ग्रेवी बने तो थोड़ी सी ब्राउन प्याज इसमें डाल लेंगे हम। ये मैंने कोयला भी रख दिया है गर्म होने के लिए ताकि हमारा कोयला भी तैयार हो जाए, जैसे हमारा
तंदूरी चिकन तैयार हो, साथ में कोला भी हो जाए। हम इसे ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए। हमारा कोयला रख देंगे हम रोटी के ऊपर। फ्लेम हम बंद कर देंगे चूल्हे की। इसी को ऊपर डालें, तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको बंद करके रखेंगे ताकि धुआं अच्छे से हर एक बोटी पे आ जाए और ये धुएं की खुशबू और इसका टेस्ट और ही अलग किस्म का होगा, जिससे चिकन और ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगेगा। ये हम इसको प्लेट पे निकाल रहे हैं। ये पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है और अगर पराठा जो लोग नहीं खाते वो इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं। पता हो गया है तंदूरी चिकन तैयार और अब हम इसको सर्व करेंगे, बच्चों को खाना देंगे। तो व्यूअर्स, खाना हो गया है तैयार और अब बच्चे खाना खा रहे हैं। आप लोगों को भी खाना खाना है तो आ जाएं, तंदूरी चिकन और चपाती। हाय विबल, एज वेल और वीडियो था हमारा आज का यहीं तक। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और आप हमारी वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।